मध्य प्रदेश में भाजपा के टिकट वितरण के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है तथा राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए हैं। एक दूसरे पर लगते आरोपों के बीच हर दल अपने आप को बेहतर दिखाने में लग चुका है। आज के कार्यक्रम जनता की बात में इसी तरह के कुछ आरोपों और प्रत्यारोपों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम जनता की बात दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसौंधी, आप देख रहे हैं SW24 मध्य प्रदेश। हमारे विशेष कार्यक्रम जनता की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जनता की बात में लगातार हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां गर्म हो चुकी है और अब चुनाव को लेकर एक विशेष माहौल सा बन गया है। अब जब भाजपा ने टिकटों की घोषणा कर दी है तो अब माहौल कुछ खास हो गया है। आज चुनाव की चर्चा में मेरे साथ ऊन से जुड़ रहे हैं अजय मंडलोई जी और सुनील पाटीदार। दोनों ही एक अपने मतदाताओं के बीच अच्छी पेट रखते हैं और दोनों ही अपने अपने समाज के अंदर विशेष वर्ग के अंदर भी अच्छी पेट रखते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं आप बता दूं कि हम व्यक्तिगत विचार हैं। हमारा चैनल यहाँ किसी का भी समर्थन, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति का, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी का विरोध करता चाहिए। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय जी से पहला प्रश्न लूँगा। अजय जी, कांग्रेस अपने 5 वचनों को लेकर बड़ी उत्साहित नजर आ रही थी। पिछले दिनों शिवराज सिंह जी ने अलग अलग घोषणाएं कर दी। महिलाओं को 3000 देने का बात किया, आपने 1500 की बात कही थी, उन्होंने 3000 देने का बात कर दिया। अगले दिनों में ऐसी चर्चा है कि गैस टंकी को लेकर भी कुछ होगा। तो क्या कांग्रेस फिर से एक बार लाडली बहना अन्य योजना, अन्य जितनी 5 योजना थी, उन लोगों को, उन योजनाओं को लेकर वापस ज़मीन पर जाएगी? निश्चित उन्हीं योजनाओं को लेकर जाएगी, क्योंकि शिवराज सिंह को ऐसा लगने लगा है कि इनके जो 5 बिंदु है उस पे, शिवराज सिंह की जो लाडली बहना योजना है उस पे ये 5 बिंदु भारी पड़ रहे थे। इसलिए शिवराज सिंह ने त्वरित अपना ये निर्णय बदला और उसने फिर बोल दिया उसमें बैठकों में जाने में, सभाओं में, कि हम 1250 देंगे, 1500 देंगे, 1700 देंगे, 2000 देंगे, 2500 देंगे। तो ये शिवराज सिंह ने अपनी इस योजना को देखा कि यार ये पिछड़ रही है, इसलिए उन्होंने इस योजना को, उन्होंने 5 उसमें 3-4 ये चीज़ें जोड़ के उसको 3000 तक ले जाने के लिए घोषणा करने लग गए, जबकि वो ओरिजिनल में 1000 ही अभी दे रहे हैं। और वो इन्हीं कांग्रेस सरकार के, कमलनाथ ने जो घोषणाएं करी है उन्हीं बिंदुओं को उन्होंने उससे वो हटके जनता में उन्होंने इस योजना के लिए उन्होंने 3000 तक की घोषणा करी है, जबकि कमलनाथ की वो योजनाएं भारी पड़ रही थी उनसे। आपको लगता है कि आपकी योजनाओं से शिवराज सिंह जी का जनाधार खसक रहा था? बिल्कुल निश्चित खसक रहा था, जभी तो उन्होंने 1250, 1500, 2500, 3000 की बात कहने लगे, नहीं तो इसके पहले ही यदि ये चीज़ कह देते, क्योंकि 1500 रुपये महीना नारी सम्मान योजना में, 500 रुपये में गैस टंकी, कर्मचारियों के हित में उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद उन्होंने जो चौथा बिंदु था उनका अपना गैस टंकी हो गया, नारी सम्मान योजना हो गया, पुरानी पेंशन हो गई, और जो 2 बिंदु और है, किसान कर्ज माफी और बिजली 100 रुपये में 100 यूनिट। बाद में कमलनाथ जी ने 100 रुपये में मुफ्त बिजली कर दी है कि कोई चार्ज नहीं, 200 यूनिट तक हाफ लगेगा, उसमें भी उन्होंने ये करा। तो अब शिवराज सिंह ने देखा कि ये 5 बिंदु कमलनाथ जी के भारी पड़ रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह जी ने उन योजनाओं को भारी पड़ते देख उन्होंने अपना मानस बदला और उन्होंने फिर जनता के बीच जाके अपनी उसमें बढ़ाया कि हम राशि बढ़ा रहे हैं। सुनील जी, शिवराज सिंह जी का जनाधार खिसक रहा है, इसलिए 1000 से 1500 और 3000 तक की घोषणा की, अजय जी कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अजय जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप और अपन एक गांव के हैं, आप और हमारा दोनों का संवाद आपस में हो रहा है। यह संवाद, जैसे दसुंधी जी ने कहा है कि ये कोई विवाद का नहीं, ये अपना खुद का मत विचार है, अपना व्यक्तिगत विचार है। और मैं अजय जी का भी स्पष्ट बात करना चाहता हूं मैं, कि जो शिवराज सिंह जी ने जो लाडली बहना योजना जो लागू करी है वो पहले लागू करी थी कि 1500 के बाद में लागू करी, 1000 रुपये लाडली बहना की, ये क्या है, सबसे पहले लागू करी थी कि बहनाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे, फिर इन्होंने कहा कि 1500 रुपये देंगे हम। वो 1500 रुपये कि इन्होंने, इन लोगों ने जो फार्म भरे हैं वो आज ये बताएं हमको कि वो फार्म कहाँ पर है, उनका कौन है, अस्तित्व का कहाँ है उनका फार्म का, फार्म भरने वाले कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासनिक अमला क्या है,
कौन सी पंचायत में जा रहा है कि कौन सी जिला पंचायत में जा रहा है कि जनपद में जा रहा है, उनका फार्म भरने का व्यक्ति कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है। उस फार्म में आज की तारीख में होटलों के ऊपर पोहे खाए जा रहे हैं, कचोरियाँ खाई जा रही है। और यह 1000 रुपये वाली बात है, हमने सबसे पहले लाडली बहना को 1000 रुपये देने का कहा है, उसके बाद में शिवराज सिंह जी ने 1200, 1500, 1700, 1800, 2200 से लगाकर उन्होंने 3000 तक। कहीं ना कहीं कांग्रेस की घोषणा के बाद शिवराज सिंह ने ये घोषणा की। नहीं नहीं नहीं, ये पहले से उनका प्लान था, उनका प्लान है पहले से। पहले से प्लान था तो फिर पहले जो लाडली बहना योजना लॉन्च की तो उस समय योजना के बारे में बताना था उन्होंने। अब ये बात सही है कि बताना था, पर वो अब इन्होंने 1500 करा है तो उसके बाद में भी उनको भी तो लगेगा ना कि भाई ये 1500 कह रहे हैं, इनकी सरकार है नहीं, इनके कुछ भी नहीं, इनके कुछ भी नहीं इनका, और ये 1500 रुपये का जब बात अपने बीच में कर रहे हैं तो 1500 देंगे कहाँ से। आज इन लोगों ने जो कैंप लगाए हैं हमारे उनमें भी कैंप लगाए हैं, तो फार्मों का हुआ क्या है, कहाँ जाएंगे फार्म इनके, कहीं नहीं जा रहे हैं इनके फार्म। इनके कार्यालय खुद के कार्यालय में रखे हैं अभी, जहाँ अपने क्षेत्र के विधायक हैं इनके रवि भाई, उनके यहाँ कार्यालय पर रखे हैं। दूसरी बात कर्ज माफ़ी की है, इन्होंने कर्ज माफ़ी की भी करी थी बात कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। मैं स्वयं एक किसान, एक ऐसा किसान हूँ कि एक सोसाइटी में एक किसान का कर्जा माफ़ हुआ है और दूसरे किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। या अपनी ऊन की सोसाइटी, ऐसी कई सोसाइटियाँ हैं जहाँ एक किसान का कर्जा माफ़ हुआ है और एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? एक सोसाइटी में कर्जा किसान का माफ़ हुआ है और एक ही सोसाइटी में दूसरे किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, उसका कारण क्या? नहीं तो उसका मैं प्रूफ सबूत आपको देता हूँ। अजय जी, सुनील जी कह रहे हैं कि केवल कागजों पे कार्रवाई की और ये कागज जो है आपके विधायक महोदय के कार्यालय में पड़े हैं। जितने भी नारी सम्मान योजना के फार्म भरे गए हैं, सारे फार्म हमारे वहाँ कंप्यूटर में दर्ज हैं, खरगोन कार्यालय में सभी को उन्होंने अपने कंप्यूटर के उसमें डाल दिया है। जिस दिन भी सरकार बनती है तो सारे फार्म जितने भी उनको है सारे के सारे ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, है ना। और ये नहीं है कि कोई उसको पोहे खा रहा है, ये खा रहा है, ये तो अब किसी ने मान लो, कोई यदि किसी ने ऐसा कोई सबूत दे दे तो हम मान लेंगे कि भाई हो सकता है यदि किसी ने कोई ले लिया फार्म ने, यदि कोई ऐसा या कागज़ का जो उनको रिसिप्ट दी हो उस पर यदि किसी ने कोई पोहे खाए हो ऐसा, नहीं तो होटलों पर यदि कोई ऐसा बता दे कि साबित कर दे कि ये हुआ है। दूसरी बात कर्ज माफ़ी की, तो मैं बता दूँ कि ऊंद में कर्ज माफ़ी में तो यहाँ के लगभग 300 से 400 किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है 50,000 तक, और जो डिफाल्टर किसान थे उनके तो 1.5-2 लाख तक के कर्ज माफ़ हुए। और उसमें उदाहरण नाम सही दे रहा हूँ, नाना पाटीदार जिनका 1,92,000 रुपये का वो डिफाल्टर किसान थे और उनका कर्ज माफ़ हुआ और वापस उनको 1,92,000 रुपये मिल चुके हैं। मतलब ऐसे कई उदाहरण है, मतलब कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ी सक्सेस रही है, सक्सेस हुई है। दूसरा मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के कर्ज माफ़ हुए और दूसरा ऊन में सेकंड किस्त के रूप में आ गए थे पैसे, मेरे को यहाँ के समिति प्रबंधक ने बोला कि भैया उनके ऋण माफ़ी के पैसे आ गए हैं और लिस्ट भी आ गई है और इतनी इतनी राशि आई है और हम इसको अभी जल्द इसको करेंगे। लेकिन इसी बीच में सरकार कमलनाथ जी की गिर गई और उसमें वो सारे पैसे जो उन बैंक में आए थे जिला सहकारी बैंक में, वो पैसे शिवराज सिंह ने वापस उनको मंगवा लिए और बैंक ऑफ इंडिया में भी राशि आई थी ऋण माफ़ी की, उसमें खुशहाल पाटीदार के 91,000 रुपये माफ़ हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक में वापस नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पे एक बार पैसे आ गए तो राज्य सरकार नहीं ले सकती। हाँ, नहीं ले। क्योंकि वो केंद्र सरकार की है, मैं नाम जब बता रहा हूँ, तो बैंक ऑफ इंडिया में ऋण माफी कहीं ना कहीं 50,000 से 1 लाख तक में भी हो गई, लेकिन जिला सहकारी में राशि आई हुई वापस बुलवा ली और बैंक ऑफ इंडिया में वो राशि माफ़ हुई है। और मैं तो नाम बता रहा हूँ खुशहाल पाटीदार का, जो मेरे नॉलेज में ऐसे कई किसान हैं, सैकड़ों किसान जिनके कर्ज माफ़ी हुई है, है ना। तो ये दोनों मुद्दे पे जो कर्ज माफ़ी और नारी सम्मान के फार्म हमारे पास कंप्यूटर में सुरक्षित है, वहाँ पे जिला कार्यालय में जिस दिन भी सरकार बनेगी सारी योजनाओं के फार्म वहाँ पे जाएंगे और उनको बाकायदा ऑनलाइन करके और उनको वहाँ जमा करके सब उनको दी जाएगी, जो भी है नारी सम्मान योजना महिलाओं को राशि। अजय जी ने कर्ज माफ़ी को लेकर जो बात कही है, कहीं ना कहीं कुछ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, बीच में सरकार गिरने के कारण रुका, इनका कहना ये है। कर्ज माफ़ी को लेके भाजपा कहती है कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए, एक झांसे का वादा है, इस बार फिर से कर्ज माफ़ी का वादे के साथ कांग्रेस उतर रही, क्या कहेंगे सुनील जी? भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों ने जो पहली बार घोषणा करी मात्र 10 दिन में, इन्होंने, इनका जो शीर्ष नेता है माननीय राहुल जी, उन्होंने कहा था
कि 10 दिन में हम कर्जा सरकार बनने के बाद 10 दिन बाद हम कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन क्या 10 महीने भी में भी नहीं करा इन्होंने कर्जा माफ़। अजय जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि कुछ छुटपुट किसानों के कर्जे माफ़ हुए, जिनमें आज मैं स्वयं बता रहा हूँ कि मेरे खुद के घर से सदस्य है जिनका 49,000 रुपये मात्र कर्जा था, वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। आप जाकर सोसाइटी में देख लीजिए। और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि कर्जा माफ़ हुआ और सोसाइटी में पैसा भी आया था ना, सब हुआ, पर इनके जो रवि जोशी जी विधायक है उस समय में हमारे सचिन यादव, प्रदेश के सचिन जी यादव, वो कृषि मंत्री थे, उनको यहाँ खरगोन नहीं लाने की वजह से अपने खरगोन ब्लॉक के कर्ज माफ़ी की सूची पूर्ण रूप से रुक गई थी। यही सोसाइटी है उनकी जहाँ पर भगवानपुरा ब्लॉक के यानी कि गंधौड़ के किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा माफ हुआ है, जिसका मैं स्वयं गवाह हूँ। उसी सोसाइटी में मैं डायरेक्टर हूँ और ये मेरे को पूरी बात मालूम है। मैंने AGM में भी ये मुद्दा उठाया था। मतलब कहीं ना कहीं आपको तो लगता कर्ज माफी कर रही थी कांग्रेस, कर रही थी, उसके बाद में इन्होंने ही सरकार तो आपने गिराई ना सरकार, हमने क्यों गिरा, हम क्यों गिराएंगे, ये तो कहते हैं कि आपने खरीद ये ऐसा नहीं है, ये तो बोलेंगे, इनको बोलने का काम है, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र बोल सकते हैं। नहीं कहीं ना कहीं कहीं नहीं है, ये तो आज भी बोल रहे हैं कि विधायकों को खरीद लिया, हम क्यों खरीदेंगे, ये हिंदू राष्ट्र है, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आज आसपास के क्षेत्रों में जो टिकट वितरण हुआ है, कांग्रेस कह रहे हैं कि फलाने गांव से हमारे बीच में भाजपा के कार्यकर्ता आ गए, वो स्वतंत्र है, आ गए तो आ गए, ओके वहाँ क्या है, इनके विधायक आए हमारे पास, स्वागत है उनका। अभी भाजपा में जो एक विधायक आया था, नहीं आरोप तो ये भी लगा कि करोड़ों रुपए खर्च किए हैं शिवराज ने वापस, सब गलत बात है, निराधार गलत बात है ये। कोई किसी को 1 रुपए का नहीं दिया गया है, कोई किसी को लॉलीपॉप नहीं दिया गया है, यह स्वतंत्र भारत है, इस देश में हर नागरिक को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अजय जी, सुनील जी कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त तो नहीं हुई, आप सरकार चला नहीं पाए इसलिए सरकार गिर गई। नहीं, ये गलत आरोप है, सरकार बिल्कुल व्यवस्थित चल रही थी और जो इन्होंने कहा गंधौड़ के किसानों का कर्ज माफ पूरा हुआ है, तो कारण उसका ये रहा कि माननीय रवि जोशी जी कमलनाथ जी को खरगोन विधानसभा में उनका कार्यक्रम तय हो चुका था, उनकी बात हो चुकी थी कि यहाँ के किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को लेके आऊँगा, इसलिए यहाँ के किसानों की सूचियाँ तैयार हो गई थी, राशियाँ भी डल गई थी, सिर्फ वो बटना सेज रह गई थी कि भाई ये मुख्यमंत्री जी आएंगे खरगोन विधानसभा में और यहाँ पर कार्यक्रम होगा, उसका स्थान और ये सब तैयार हो चुका था, लेकिन सरकार गिरने से वो चीज़ें वापस सरकार ने ले ली, नहीं तो ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे थे कमलनाथ जी और खरगोन विधानसभा में अपने हाथों से किसानों के कर्ज माफ़ी के जो खरगोन विधानसभा के थे उनको वो देने वाले थे, लेकिन इस बीच में खरीद फरोख्त करके इन्होंने कर्नाटक ले गए विधायकों को। आप कर्नाटक नहीं भेजते, दूसरी जगह जाते, आपकी सरकार थी वहाँ क्यों ले गए, दिग्विजय सिंह ने ये जाना चाह रहे थे लेकिन किसी को जाने नहीं दिया, वहाँ के आज के वर्तमान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ये जाना चाह रहे थे, किसी को जाने नहीं दिया, इन्होंने एक रिसोर्ट में उनको सबको विधायकों को बंद कर दिया और किसी से मिलने नहीं दिया, वहाँ इन्होंने पहरा लगा दिया, BSF के RPF के जवान लगा दिए और किसी को जाने नहीं दिया, होटलों में कैद कर दिया विधायकों को और वहाँ पर उन्होंने उनको सबको बंद करके रखा 10 दिन 15 दिन तक, और जब तक इनका निर्णय नहीं हुआ जब तक उन्होंने वहाँ उनको बंद रखा और उसके बाद सबसे वहाँ से स्वीकृत करवा के साइन करवा के उनको लाए यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सरकार गिरा के न सरकार बनाई इन्होंने। आपको क्या लगता है जैसे भाजपा ने सरकार गिरा दी इस बार जनता उसका कुछ जवाब देगी, आज जनता आपके साथ निश्चित देगी, जनता जवाब देगी और जो कर्ज माफी का जो है कमलनाथ जी ने वादा करा है वो निश्चित वादा पूरा करेंगे, और उस समय माननीय राहुल जी ने जो कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ़ करेंगे तो उन्होंने जैसे ही शपथ ली वैसे ही कर्ज माफ़ी घोषणा तो कर दी थी मुख्यमंत्री ने, लेकिन सारी चीज़ों को उन्होंने कागजों पे जिसके जो किसानों के वो है खाते वगैरह चेक करने में टाइम तो लगता है, कोई योजना बनती है तो उसको ज़मीन पर उतारने में 4 से 6 महीने का समय लगता है, 4 से 6 महीने के समय में सारे किसानों के सब आंकड़े लिए कि किन पे कहाँ किसका कितना कर्ज है, सारी कर्ज माफ़ी उनके सब रिकॉर्ड लेके और व्यवस्थित करके और उसके बाद कर्ज माफ़ी चालू करी, एक चरण पूरा हुआ, सेकंड चरण भी लगभग पूर्ण हो चुका था, कुछ कुछ ब्लॉकों में पूर्ण हो गया और खरगोन ब्लॉक में भी वो मुख्यमंत्री के हाथों होना था लेकिन वो मुख्यमंत्री के दौरे के कारण रुक गया, नहीं तो यहाँ भी हो जाता सेकंड चरण पूर्ण। अजय जी, एक सबसे बड़ी बात ये आती है सरकार किसी की भी हो महंगाई हर आदमी को परेशान करती है, आम आदमी हो
या बड़ा आदमी हो या अमीर आदमी हो या किसी वर्ग का आदमी हो, महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान करती है। महंगाई अभी चरम पर है, भाजपा महंगाई के लिए कुछ कर नहीं रही, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, आप विपक्ष में बैठे हो, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हो। हमने कई आंदोलन खरगोन में माननीय रवि जोशी जी के नेतृत्व में किए हैं महंगाई के खिलाफ, और एक समय था जब गैस टंकी 400-350 रुपए थे, 5-10 रुपए बढ़ते थे, तो स्मृति ईरानी जी वहाँ सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, गैस टंकियाँ ले लेके बैठती थी, और आज उनके मुँह में दही जम गया, कुछ नहीं बोलते। महंगाई में तेल 200 रुपए किलो पहुँच गया था, तुअर दाल 200 रुपए किलो पहुँच गई थी, और अन्य चीज़ों के कई दाम आसमान छू रहे थे। वर्तमान में तुअर दाल 160 रुपए किलो हो गई है, तेल के दाम भी वापस बढ़ने लग गए हैं बीच में, और अभी देख रहे हैं प्याज के दाम भी 40 रुपए 30 रुपए किलो होने जा रहे हैं, आलू के दाम बढ़ रहे हैं। कोई इनका महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन्होंने महंगाई के मुद्दे पे सरकार बनाई थी। इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह महंगाई का मन ही बोल रहे हैं, लेकिन अब इनके मुंह में दही जम गया है, इनसे महंगाई का मन ही बोला जा रहा है। महंगाई पे बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे बोल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी इनका झूठा वादा हो गया। महंगाई कम करने का वादा किया था, वो भी झूठा हो गया। इनके सारे मुद्दे मोदी जी के झूठे हो गए, और मोदी जी ने तो पहली कैबिनेट में ऋण माफ़ी योजना का बोला था कि हम किसानों के कर्ज माफ़ी करेंगे, आज भी उसके कई सोशल मीडिया पे वीडियो है, रिकॉर्डेबल है। महंगाई मोदी जी यदि कह दे कि मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा था और उसके सबूत हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं पहली कैबिनेट में कर्ज माफ़ी करूँगा, तो कहाँ गया? तुमने तो कर्ज माफ़ी करी नहीं, और कमलनाथ जी ने तो 2 चरण पूरे करके बता दिए महंगाई पे और इस पर ऋण माफ़ी पे, और करके दिखाया है। झूठे तो मोदी जी निकले जिन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में कि मैंने सभाओं में घोषणा करी थी कि मैं पहली कैबिनेट में कर्ज माफ़ी करूँगा, लेकिन नहीं करी, तो झूठा कौन हुआ? मोदी जी हुए या कमलनाथ जी? कमलनाथ जी ने तो 2 चरण पूरे कर दिए थे और 3रा चरण पूरा करने जा रहे थे, लेकिन सरकार गिरा दी खरीद फरोख्त करके, इसलिए वो 3रा चरण रुक गया, नहीं तो 6 महीने के अंदर पूरी ऋण माफ़ी हो जाती। सुनील जी, महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरती है और महंगाई का विरोध करती है, आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, सरकारें आपकी, आप क्या कर रहे हैं? महंगाई में क्या है महंगा? क्या महंगा है बताइए आप? अजय जी ने अभी बता रहे बहुत सारी चीजें गिनाई। अजय जी तेल 200, अरे बहुत सारी चीजें गिनाने से होता है क्या है भैया? आज 200 रुपए तेल बता रहे हैं, उस समय तेल का निकलता है, सोयाबीन का निकलता है, मूंगफली का निकलता है, कपास का निकलता है, यही रिफाइंड तेल अपन खा रहे हैं, और कोई सा तेल खा रहे हैं? यही खा रहे हैं ना। इसकी पहले जब उपज होती थी तो उनकी आमदनी क्या निकलती थी? किसानों को जाकर पूछे, ये किसान अगर है तो किसान को जाकर के पूछे कि आज से 10 साल पहले कपास का भाव इन लोगों ने क्या दिया था, सोयाबीन का भाव इन्होंने क्या दिया था, मूँगफली का भाव क्या दिया था इन्होंने, इनको पूछो तो सही जरा एक बार। कभी इन्होंने सपने में सोचा था कि 14,000 रुपये कुंटल कपास बिकेगा, सोयाबीन 5,000 रुपये कुंटल बिकेगा, कभी इन्होंने कल्पना करी थी क्या? पर केवल किसान का फायदा करके, किसान नहीं मजदूर का भी फायदा हो रहा है। मजदूर को पूछो जा करके कि मजदूर, मैंने भी मजदूरी करवाई है लोगों से, मेरे यहाँ भी खेती है, मेरे घर भी मजदूर काम पर आते थे, 15 रुपये में 12 बजे तक काम मैंने खुद ने करवाया है, मैंने उनके साथ में काम किया है, क्योंकि मेरा खुद का खेत है। आज वही मजदूर मेरे घर में 300 रुपये में काम कर रहा है दिन भर में, कि 12 बजे तक के 150 रुपये ले रहा है, और उस समय दिन भर काम करता था मजदूर, उसको 30 रुपये मिलते थे, आज उसको 300 रुपये मिल रहे हैं। कौन सी महंगाई है? क्या महंगाई है? मतलब इनकम बढ़ रही है आपका? इनकम बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं पहले मजदूर के पास साइकिल नहीं थी, आज प्रत्येक मजदूर बीजागढ़ तरफ से जो पहाड़ी पट्टी से आ रहे हैं, वे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, रिक्शों से आ रहे हैं। काहे की मजदूरी, काहे की महंगाई? मजदूरों को भी 300 रुपये से कम मजदूरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनका उपज का मूल्य भी अधिक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। वैसे तो अब मैं किसान हूँ, मेरे को लालच है कि सोयाबीन का भाव 5,000 तो 6,000 मिलना चाहिए, किसानों के डॉलर 14,000 के तो 15,000 मिलना चाहिए, 16,000 मिलना चाहिए। किसान के अलावा और भी दूसरे वर्ग हैं, मध्यम वर्ग है, एक बिजनेसमैन, छोटा सा बिजनेसमैन, एक छोटा दुकानदार उम्मीद रखता है इस महंगाई में कैसे का जीवन यापन करेगा? नहीं, दुकानदार हो, आपकी बात भी सही है कि छोटा दुकानदार, तो वो भी तो उनका कुछ बिजनेस कर रहा है, उनको भी तो वृद्धि मिल रही है। कांग्रेस का यही कहना है कि भाई महंगाई के ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक किसान को दे देने से नहीं हो जाता है? भाई किसान के साथ में, अभी मैंने आपको क्या कहा कि एक मजदूर को भी 300 रुपये दे रहे हैं, हम मजदूर को भी 300 रुपये दे रहे हैं, तो सबके हिस्से में जा रही ना है, तो जो बढ़त हो रही है इनकम, जो पैसा का स्रोत बढ़ रहा है, इसका श्रेय सबको मिल रहा है। अजय जी, महंगाई को लेकर सुनील जी कह रहे हैं कि प्रकेता इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और आय बढ़ने के साथ में महंगाई बढ़ी है,
क्या कहेंगे? हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं, जो साल भर में 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं, उनको महंगाई का मोह मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। आज पहले 2016 के पहले जो इनकम थी तो उसमें महंगाई में गुजारा हो जाता था, लेकिन आज जो चीज़ों के दाम बढ़े हैं, है ना, तो उसके कारण वो 1.5 लाख रुपए भी कम पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं तो, और जो हर चीज़ का अपन जोड़ते हैं राशि, तो महीने का 15,000 रुपये महीना भी नहीं पूर रहा है व्यक्ति को। तो मजदूर को जब इन्होंने बोला ना कि 15 रुपये ना 20 रुपये मिलते थे, 30 रुपये रोज़ मिलते थे, वो तो 25 साल पुरानी बातें हो गई। मजदूर को तो 150-200 रुपये मजदूरी तो मनरेगा में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब ही से इनको 150-200 रुपये रोज़ तो मिल रहे हैं मजदूरों को। तो ये तो अभी क्या 10 साल में क्या इन्होंने क्या एकदम से ये साल भर में इन्होंने इतना कर दिया क्या? महंगाई जो बढ़ी है 2014 के बाद से, वो इतनी बड़ी है, विकराल रूप ले लिया है कि लोगों का रहन सहन और जो खाने पीने की आदतें हैं वो सब बदल गई। पहले अपन क्या है, खाने पीने के बाद भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार महीना बचा लेते थे, आज की तारीख में 5,000 रुपये माइनस में जा रहे हैं। वर्तमान में आप एक आम आदमी को पूछो, मिडिल क्लास को, उसका क्या रहन सहन है? मैं खुद में मेरा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मिडिल क्लास का बिजनेसमैन हूँ। कहीं ना कहीं ये किसानों की बात करें, उसके बाद में दूसरे वर्ग जो है, दूसरे वर्ग भी आते हैं, कहीं परेशान। किसानों को यदि 5,000 रुपये सोयाबीन का दाम मिला है तो, लेकिन उसके खाद के दाम कहाँ जा रहे हैं? आसमान पे जा रहे हैं। आपको 50 किलो की बोरी खाद की बोरी 40 किलो पे हो गई है और उसके दाम आसमान पे पहुंचा दिए, कहां जा रही है? आप देखो सही, हर चीजों के दाम बढ़ा दिए, दवाइयों के दाम, तो खाद के दाम, तो जो भी कीटनाशक है उनके दाम आसमान पे पहुंचा दिए। यदि किसान को 5,000 का भाव मिला तो इधर से लिया और उधर से वापस दूसरों को दे दिया, किसान तो जहां का वहीं मरा। आज किसानों की हालत बहुत खराब है, आज उनको जाके देखो तो उनके यहाँ अभी ये 1 महीने की फसल पानी की खेच आ गई, उसमें किसानों की हालत ख़राब होने लग गई, 10-15% उनका नुकसान हो गया। जो वर्तमान पैदावार बढ़ रही थी वो एकदम से घट गई, नहीं तो आज की तारीख में जो मौसम है उसके मान से किसान बहुत बढ़िया है, इसको फसलें थी, लेकिन एक उसको झटका तो लगा है, वर्तमान में पानी गिरने से झटका सहन भी हो जाएगा, लेकिन महंगाई के कारण उसको बहुत उसको नुकसान हुआ है, सभी वर्ग को उसको हुआ है। सिर्फ एक कर्मचारी वर्ग जिसको 30-40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, और जो बड़ा धनाढ्य व्यापारी है जिसका करोड़ों में बिजनेस है, 50 लाख 1 करोड़, वो व्यक्ति ये महंगाई को सहन कर सकता है, लेकिन जो साल भर में 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, 12 लाख का कर रहा है, 15 लाख का कर रहा है, वो ये महंगाई सहन नहीं कर सकता। इन्होंने उस समय में जो महंगाई के ऊपर आंदोलन करे और खूब सड़कों पर उतरते थे, आज उतर के बताए 400 की गैस टंकी 1200 रुपये में लोगों को मिल रही है। हमने तो आंदोलन कई कर दिए रवि जोशी जी के नेतृत्व में, भोपाल में भी मैं था आंदोलन करने उनके नेतृत्व में, वहां भी हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में आंदोलन करा है आज से 3 साल पहले। और कहीं ना कहीं जनता की आवाज आपको मिल रही है, पे भी हमने 5 से 7 बार रैली निकाल के महंगाई के विरोध में हमने मार्च निकाला है। पेट्रोल के दाम पे भी उस समय हमने 120 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंच गया, उस समय 65 रुपए लीटर था, 2 रुपए लीटर बढ़ाते थे तो ये हाइतोबा मचा देते थे, संसद को चलने देते थे, और आज इनके मुंह में दही जम गया, महंगाई पे बोल नहीं रहे, और आम जनता को पेट्रोल के 40-40 रुपए लीटर सरकार को मिल रहा है फायदा, सरकार आम जनता को फायदा तो दे नहीं रही है, पेट्रोलियम कंपनी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन आम जनता को उसको फायदा नहीं मिल रहा है। आज पेट्रोल के दाम 80 रुपए लीटर होना थे, कम से कम 30 रुपए लीटर कम होना थे, लेकिन सरकार उन्हीं पैसों से निर्माण कार्यों में लगा रही है और कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास जनता की जेब से विकास हो रहा है, न कि सरकार की उससे हो रहा है, समझ में आ गई? और ये महंगाई में सरकार को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि चेत जाए और महंगाई पे करे। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप महंगाई को लेके क्या करेंगे? क्योंकि जनता सबसे पहले ये प्रश्न जानना चाहेगी कि महंगाई को लेके आने वाली सरकार क्या करेगी। महंगाई को लेकर 500 रुपये में गैस टंकी महिलाओं को देंगे, प्रत्येक परिवार को साल भर में 6, आज उसको कम से कम 1284-8,000-9,000 रुपये साल बचेंगे, है ना, 1500 रुपये नारी सम्मान में मिलेंगे तो कितने हो गए, 2100-2200 रुपये महीने का फायदा तो उसको ये हो रहा है। बिजली का बिल वर्तमान में अभी जो गर्मी में लोगों के 2000-3000-4000-5000 के बिल आ रहे थे, उनके 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली रहेगी, 200 यूनिट तक हाफ, 500 रुपये में बिजली के बिल उनके हो जाएंगे, तो कितना उनको लाभ होगा महीने के। जो शिवराज सिंह कह रहे नहीं कि मैं 3000 दूंगा, आज ही यदि कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो लोगों को सरकार बनते के साथ 3000-4000 रुपये महीने का लाभ होने लग जाएगा, बचत होने लग जाएगी। तो आम लोगों को, मध्यम वर्ग को कमलनाथ की सरकार आएगी तो 4000-5000 रुपये महीने की बचत होगी और उसका घर सुचारू रूप से चलेगा। एक जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसको 5000 महीने बहुत होता है। मतलब आपको लगता है मध्य प्रदेश में आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल निश्चित बना रहे हैं सरकार, 140 से 150 सीटें
मध्य प्रदेश में बनेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी, इसीलिए घबराहट के कारण तो अभी शिवराज सिंह ने और बीजेपी ने 39 कैंडिडेट उतार दिए मैदान में। क्यों उतारे? हारे हुए सभी को उतार दिया, इसीलिए उतारा। घबराहट है उनमें कि ऐसा नहीं हो कि जो भी दल बदल या जो भी है वो सब अभी लड़े झगड़े सब सामने आ जाए। और अभी कल ही अपन ने पेपर में पढ़ा कि 5 से 10 जगह तो अभी विरोध के स्वर अभी से उठने लग गए हैं, जिनको टिकट मिलना था। एक आम आदमी के प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जो आम आदमी का कार्यकर्ता है उसको टिकट दे दिया, विरोध हो रहा है तो जगह जगह विरोध के स्वर बुलंद होने लग गए। और ये इन्हीं के कारण, इन्होंने घबराहट के कारण कि अभी से मैदान में प्रत्याशी उतार दो, ये शिवराज सिंह जी की घबराहट है और बीजेपी सरकार की घबराहट है, इसीलिए इतनी जल्दी इन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। और अभी दूसरी लिस्ट भी जल्द आने वाली है इसी घबराहट के कारण, क्योंकि ये हारी हुई सीटें हैं और पुनः हारेंगे ये, क्योंकि महंगाई के ऊपर और इनके हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हुई है। सुनील जी, आप घबरा गए हो? नहीं भैया, हम तो कभी भी, आज भी नहीं घबराए तो पहले भी नहीं घबराए हैं। अजय जी जी बोल रहे हैं कि मध्यम वर्गीय, फिर इतना ताबड़तोड़ लिस्ट तैयार कर देखो, ये तो अब हम 15 साल से सरकार में बैठे हैं, हमको पता है कि किनको टिकट देना है और किनको टिकट नहीं देना है। ये बता दे इनकी पार्टी में कितने लोग असंतुष्ट है, अभी इनको भी नहीं पता है। गुटबाजी तो दोनों पार्टी में गुटबाजी है। अब मैं एक बात अजय जी को ये कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो बताया ना कि मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं, भाई साहब को यह नहीं पता है कि माननीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है। और अजय जी ने अभी कहा है कि कुछ गरीब मध्यम परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फीस लग रही है। अजय जी, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने परसेंट छूट रहती है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को, कितने परसेंट है? 20% यानी कि उस विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो 20 बच्चे उसमें से गरीब परिवार के निःशुल्क पढ़ेंगे। ये तो कांग्रेस के समय भी चल रहा था, आरटी चल रहा था, फिर आरटीए चला, कब चला, कितने परसेंट चल रहा था उस समय? 5% था, आपको ध्यान हो तो भाई साहब, 5% था, उसको बढ़ा करके आज 20% करा है। योजनाएं तो बढ़ती रहती है ना। हाँ, ये बात से आपने कही कि योजनाएं बढ़ती रहती है, तो योजनाएं बढ़ेगी तो उसमें कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, पैसे की लागत भी बढ़ेगी। रासाल इन्होंने सब, अब तो अनगिनत भाषा इनकी है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार है तो सब काम तो होगा। मतलब आप काम करते हो? क्यों काम कर रहे हैं? हम तो, हमको काम करने की आदत है और हम काम करेंगे, और हम तो अच्छा काम करने की लगन है हमारे में, तो हम काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, कांग्रेस अक्सर कहती है कि मध्य प्रदेश में जब से शिवराज की सरकार बनी है भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए हैं। सुनील जी, कांग्रेस अक्सर आप पर, बीजेपी पर आरोप लगाती है कि आपके कार्यकाल में, मतलब आप शिवराज सिंह के कार्यकाल में 15-17 साल जितने भी बीजेपी का कार्यकाल रहा है, कोई सरकार बीजेपी की यहाँ हो या कर्नाटक में हो, जहाँ पे भी रही हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगता है। कांग्रेस का तो काम है, इन्होंने जो 40 साल में ने जो काम करा है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है। आप जननी सुरक्षा को ले लो, आप रोड को ले लो, आप शिक्षा में ले लो, आप स्वास्थ्य में ले लो, आप कौन से विभाग में, परिवहन विभाग में आप ले लो, कोई से भी विभाग में ले लो, कोई भी सार्वजनिक धार्मिक सार्वजनिक कार्य ले लो, हर कार्य में पदोन्नति हुई है और कार्य की तरक्की हुई है। रोडों को आप देख लो, रोडों का जाल बिछा दिया है गडकरी जी ने पहले भी बोला था कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वाले की कमी है, गडकरी जी ने स्वयं कहा था। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस तो कहेगी जितना काम करते उसमें उतना भ्रष्टाचार निकाल लेते। अरे कांग्रेस को कहना क्या आता है, सिर्फ भ्रष्टाचार, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो आप 50% ले रहे हो बीजेपी वाले, कौन कह रहा है बड़ा मुद्दा बनाया? नहीं, सब झूठ बात है, कांग्रेस की तो चाल है ये, कांग्रेस तो पहले से भी कहती आई है यही काम, और कांग्रेस का यही काम है कहना, झूठ बोलना और जोर से बोलना। जोर से बोलते हैं? बिल्कुल जोर से बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना है तो उसको जोर से बोलेंगे। तो आपको लगता है आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। कौन बताए ना, एक मेरे को एक विषय बताए। अभी तो बड़ी मीडिया पर चर्चाएं चल रही, प्रियंका गांधी कह रही 50% कमीशन वाला राज्य है।
अरे सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इनको नहीं पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। वो अपना राहुल बाबा संसद में बोल रहा है कि हत्या हुई, मेरी माँ की हत्या हुई। ये क्या है, मेरी माँ की हत्या हुई, किसने करी भाई तुम्हारी माँ की हत्या? ऐसे इसके राष्ट्रीय नेता, इनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो ऐसे बोलते हैं कि मेरी दो दो माओं की हत्या कर दी। ऐसे गलत बात है, ये हंसने जैसी बात है। ये भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कहती है कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग बीजेपी वालों ने लगाई, सरकार ने लगवाई, क्योंकि वहाँ कहीं भ्रष्टाचार की। अरे भैया, हमने आग नहीं लगाई है, इनके दिलों में आग लगी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से निरंतर व्यवस्थित काम कर रही है, और मोदी जी की जो 10 साल की सरकार है, उस कारण से इनके दिलों में आग लगी है। सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगाएंगे भाई? सरकार हमारी, हम आग क्यों लगाएंगे वहाँ? कांग्रेस कहती है कि वहाँ कई दस्तावेज थे। नहीं, दस्तावेज है तो पुराने दस्तावेज इनके है, ये जलाए, हम क्यों जलाए उनको? हम तो इनके काले कारनामे उजागर कर रहे हैं भैया। जितने कांग्रेस ने काले कारनामे करे हैं, हम उनको उजागर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आप किसी इनके ही कार्यकर्ता ने अगर आग लगा दी हो तो हमको क्या पता? अजय जी, भ्रष्टाचार को लेके सुनील जी कह रहे हैं कि बीजेपी में कभी भ्रष्टाचार हुआ नहीं, वो तो काम कर रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा नहीं रहे, मोदी जी के पुराने जितने भी वीडियो है वो एक एक निकाल लो, झूठ कौन बोला है? पुराने वीडियो निकाल लेना, आपने सोशल मीडिया पे आज भी है कि जो उस समय मोदी जी ने बोला था और आज के वर्तमान जो बोल रहे हैं, वो 101% पूरे उनके वीडियो जो है सब झूठ बोले हुए हैं। झूठ बोलना, जोर से बोलना और बोलने की शैली मोदी जी से पूरे देश में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जितना मज़ेदार झूठ बोल लेते हैं उनके बराबर कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैंने बताऊँ, मोदी सतपुड़ा भवन की आग, आपने जो प्रश्न किया ना, ये मैं पहले लिख चुका था कागज पे, है ना, क्योंकि मैं ये चीज बोलने वाला था और आपने मेरे दिल की बात छीन ली। हमारा सवाल करने का वही है। दिनेश जी सुनो सही, सतपुड़ा भवन में आग इसीलिए लगाई कि इनके भ्रष्टाचार के जो 15 साल के कारनामे हैं, 18 साल के, वो दब जाए, वो जल जाए, ताकि कल यदि कमलनाथ जी की सरकार, जो इनको घबराहट में मालूम तो पड़ गया, सारे कर्मचारी वर्ग और सबको मालूम पड़ गया कि सरकार जा रही है, और इसी घबराहट के कारण इन लोगों ने सतपुड़ा भवन में आग लगाई, ताकि सारा भ्रष्टाचार के जो इनके कारनामे हैं वो पूरे जल जाए। ऊन से लेके भोपाल तक भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार है। तुम कई जगह योजनाएं गिना लो, मैं तो कह रहा हूँ 50% कर्नाटक में 40% में इनकी सरकार गई है ना, और मध्य प्रदेश में जो अभी नया मुद्दा आया 50% का है ना, चिट्ठियाँ जा रही है कि हाई कोर्ट में जगह जगह कि 50% कमीशन लिया जा रहा है, तो ये उसी का नमूना है। और उसी 50% कमीशन को दबाने के लिए इन्होंने सतपुड़ा भवन में आग लगाई है ना, और झूठ बोलने की मोदी जी ने, उनके पुराने वीडियो निकाल लो आप, उस समय जो 2014 के पहले के भाषण और आज के भाषण देख लो, तो सारे के सारे आपको जनता को सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी वालों से मैं मांग करता हूँ शीर्ष नेतृत्व से, कि पुराने मोदी जी के वीडियो है ना, गाड़ियाँ घुमा दो, जो पुराने 2014 पहले बोले थे और वर्तमान जो बोले वो, तो सब अपने आप पूरी जनता को सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि झूठा कौन है, मोदी जी झूठे हैं या राहुल गांधी झूठा है, सोनिया जी झूठी है, प्रियंका जी झूठी है, कौन झूठा है? सच्चाई को लेकर पूछूंगा। प्रियंका गांधी कह रही है मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार करती है भाजपा सरकार, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, कर्नाटक में 40% साबित हो गया, कई जगह लिया है, जब भी तो कर्नाटक में सरकार गई वहाँ भी इन्होंने यही करा, और मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। घोटाले पे घोटाले हो रहे, व्यापम से लेके न सतपुड़ा भवन घोटाला, व्यापम घोटाला, अभी पटवारी परीक्षा में घोटाला, तुम शिक्षा भर्ती में घोटाला, कई जगह भी जगह नहीं छूटी है दिनेश जी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा है। अभी आयुष्मान कार्ड में भी घोटाला आया, कल ही पेपर में आया था, है ना, व्रत लोगों के नाम से पैसे निकाल के खा गए। तो घोटालों पे घोटाले, 225 घोटाले नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इतने घोटाले, ये तो रिकार्डेबल है, अनरिकार्डेबल था, हजारों घोटाले हैं। मतलब आपकी सरकार बनेगी तो इन घोटालों को उजागर करेंगे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 15 महीने में चूक गए, इनको उसी समय तत्काल कार्रवाई कर देना चाहिए। 15 वो चक्कर ये हुआ ना, मालूम नहीं था कि ऐसे खरोद परीक्त करके सरकार गिरा देंगे, नहीं तो 15 महीने में ही इतने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित करवा के इनको जेल भेजने की कार्रवाई हो जाती। सरकार को मालूम नहीं था किसी को कि 15 महीने में सरकार गिर जाएगी, और नहीं तो जो अभी ये उजागर हो रहे ना इनकी सरकार में, ये भ्रष्टाचार की यदि कार्रवाई चालू हो जाती ना, तो अभी तक ये जितने भी मंत्री और ये जो है सबके सब जेल में जाते, क्योंकि ये शिक्षा बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हुआ है। पटवारी परीक्षा में एक ही सेंटर पे इतने लोगों का चयन हो गया, और वो भी एक विधायक के, बीजेपी के विधायक के, क्या है ये? व्यापम ले लो आप,
व्यापम से लेकर अभी तक पटवारी घोटाले तक कहीं से सैकड़ों घोटाले हो गए जिनको इन्होंने दबा दिए, और इन्होंने घोटालों को दबाने के लिए सतपुड़ा भवन में आग लगाई है। ये तो सतपुड़ा भवन में आग नहीं लगती, और आग ऐसी लगाई कि उसको 4 दिन लग गए बुझाने में। इतनी पूरे भ्रष्टाचार की फाइलें चला दी इन्होंने, ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, काहे की जांच करेंगे, इसीलिए आग लगाई है भाई। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बीजेपी का नाम ही भ्रष्टाचार, बी यानी भ्रष्टाचार, मैं तो यहीं से कहता हूँ। सुनील जी, बी यानी भ्रष्टाचार, जी का मतलब क्या हुआ और पी का मतलब क्या हुआ? अजय जी बता दे, आप बता दीजिए। मैं तो बताऊंगा, जी और पी से मतलब जानदार पार्टी है हमारी, जानदार पार्टी, बिल्कुल जानदार पार्टी है हमारी। हमारी पार्टी में जो अजय जी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इन्होंने उस भवन में विंध्य पर्वत विंध्याचल भवन में आग लगा दी, ये लगा दी, सब अजय जी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। मैं अजय जी कहना चाहता हूँ कि एक मेरा विषय तो अभी एक है कि खरीद फरोख्त 15 महीने की सरकार, तो भैया सरकार आपने बनाई थी, हमने थोड़ी बनाई, सरकार आपने बनाई था, आपने उन लोगों को व्यवस्थित रखना था, वो कैसे आए हमारी पार्टी में हमको क्या पता भाई साहब। लालच आ जाती है इंसान को, अब लालच आई है तो उनको लालच है, काहे की लालच, हमको क्या पता। एक भी व्यक्ति, एक भी विधायक बता दे, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने इतने पैसे दिए, कोई कहता है? आप कोई मौन से थोड़ी बोलेगा कि मैंने पैसे लिए। फिर ये कह रहे हैं कि वहाँ भ्रष्टाचारी हो रही है, उनसे लगा कह रहे दिल्ली तक भ्रष्टाचारी हो रही है, बता दे एक भी प्रूफ बता दे। मैं भ्रष्टाचारी का प्रूफ किसको कहते हैं कि जिन्होंने फलाने विभाग के फर्जी मत से पैसे निकाले और वहाँ पर काम नहीं हुआ हो, भ्रष्टाचार इसको कहते हैं। अजय जी सबूत दीजिए, कुछ है आपके पास? सबूत मेरे पास है ना, 7.5 लाख रुपए ऊन पंचायत पे आज से 4 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए थे, और उसी में सरपंच ऊन के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 7.5 लाख वो एक स्थान। सुनिए, मैंने ऊन से लेके वहाँ तक बोला है ना भ्रष्टाचार, तो उसमें सब आ गया ना, साबित हुआ है ना, 7.5 लाख का उन पे रिकवरी निकली थी। पर वो बीजेपी का नहीं है, मतलब उसको अपन एक बीजेपी समर्थित नहीं। मैं तो ऊन से, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, भ्रष्टाचार कह सकते भाई, भ्रष्टाचार तो हुआ है ना, भ्रष्टाचार साबित हुआ है ना, तो मैं कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग उसमें मिला हुआ है, तो भ्रष्टाचार हुआ है भाई। मैंने तो साबित हुआ है ना, उसकी जाँच हुई, जाँच होने के बाद 7.5 लाख की रिकवरी निकली, बाद में रिकवरी हुई नहीं हुई, वसूल सरकार ने करे नहीं करे, बात की बातें होती है, लेकिन साबित तो हुआ है ना कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ, जमीन से लेके ऊपर सीट सब तक पैसा जा रहा है, जब ही तो भ्रष्टाचार। मेरे को बताओ कि इतने बड़े बड़े आयोजन भाजपा कहाँ से करती है, इनके पास सोर्स कहाँ से? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, विश्व की सबसे, हम भी मानते हैं विश्व, एक समय कांग्रेस भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, और पूरे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, अभी भी बीजेपी की 10-11 राज्यों में सरकार है ना, पूर्ण बहुमत की, बाकी तो सब मिली जुली 15 सरकारें हैं। बाकी भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस की जितने राज्यों में सरकारें थी आज तक बीजेपी वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाई, और जितने कार्यकर्ता कांग्रेस के आज भी देश में, पूरे देश में मौजूद हैं, इतने बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है पूरे देश में। मैं एक बात बता दूँ, ये तो समय के साथ में क्या है कि 2014 के बाद इन्होंने जो झूठ का जो एक पुलिंदा चलाया, बोल बोल के लोगों के दिमाग में अच्छे दिन का जो सपना दिखाया, वो अच्छे दिन के सपने चकनाचूर हो गए लोगों के। 2024 में कह रहे हैं फिर से सरकार बनाएंगे मोदी। अरे भैया 2024 में वो तो जनता बताएगी, जनता बताएगी जनता के मन में क्या है, मोदी जी के मन में क्या है, ये तो जनता बताएगी कि वापिस आएंगे कि घर जाएंगे, है ना। पिछली बार शिवराज सिंह ने भी कहा था कि सरकार आ रही है, लेकिन शिवराज सिंह घर गए थे ना। 29 की 29 में से 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, 10 साल बाद मनमोहन सिंह को भी लोगों ने घर भेजा कि नहीं भेजा, तो ये जनता का काम है कि वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे। रही बात विकास करवा लो, माननीय रवि जोशी ने पिछले 4.5 साल में, 4.5 साल में जो ऊन में विकास कार्य करवाएं, ये गिनवा देना कि इन्होंने ये करवाएं। मैं नया नगर में मेरे हाथों से नल जल योजना, जो 25 सालों से नहीं वहाँ पे पाइपलाइन में पानी नहीं जा रहा था, बहुत परेशानी झेल रहे थे, वहाँ पे नल जल योजना मेरे हाथों से भूमि पूजन करवाया मैंने, नदी पार लोहे की पाइपलाइन मैंने डलवाई और वहाँ का मैंने काम करवाया माननीय विधायक महोदय ने, लेकिन हमने उनको समस्या बताई, इन लोगों की समस्या है और इन लोगों के पानी व्यवस्थित जा नहीं रहा है प्लास्टिक की पाइपलाइन से, तो उन्होंने तत्काल वहाँ पे 4 महीने के अंदर लोहे की पाइपलाइन यहाँ तालाब कुएं से डलवाई और वहाँ तक व्यवस्थित पानी पहुँचाया। तालाब पे कई सालों से पानी नहीं, लोगों को घर घर जा रहा था,
वहाँ पे पानी, अरे 50 लाख रुपए की ये पाइपलाइन 3 जगह की करवाई, मेरे हाथों से इसका मैंने काम करवाया, खड़े रह के उन लोगों ठेकेदारों से और अधिकारियों को मैंने बोला और माननीय विधायक महोदय से निवेदन किया कि इन लोग ये काम, यहाँ के लोग पानी की समस्या बहुत झेल रहे हैं। तीसरा काम सबसे बड़ा ऊन का, मेरे हाथों से सर्वे है जो ये 1.25 करोड़ की पाइपलाइन और टंकी का है, ये सर्वे मैं खुद मैंने करवाया है, माननीय विधायक जी ने वहाँ से निर्देश दिया और शासन से मंजूर करवा के उस समय में 1.25 करोड़ रुपए का ये कार्य खरगोन में, खरगोन विधानसभा के अंतर्गत ऊन में 1.25 करोड़ की पाइपलाइन और टंकी का कार्य ये माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद थाना भवन 1.14 करोड़ का, रोड के लिए 14 लाख है ना, अस्पताल के लिए 20 लाख और 7 समाजों को धर्मशालाओं के लिए 5-5 लाख रुपए माननीय विधायक महोदय ने 35 लाख रुपए दिलवाए। आज तक 7 समाजों को कभी कोई विधायक ने इतनी सामुदायिक भवन या उनको मांगलिक कार्य करने मतलब के आपको लगता है कि फिर से एक बार रवि जोशी जी जीत रहे हैं? 100% जीत रहे हैं। हमारे तो एकमात्र खरगोन में कांग्रेस के विधायक कैंडिडेट हैं आज भी माननीय रवि जोशी जी, लेकिन बीजेपी में तो 10 से 12 लोग आज भी दावेदारी कर रहे हैं, इसीलिए तो इन्होंने अभी घोषणा नहीं करी, नहीं तो 39 के साथ 40 पे कर देते घोषणा ये। लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा है, बहुत गुटबाजी है, ये कहते कांग्रेस में गुटबाजी, हर पार्टी में गुटबाजी है, मैं तो मानता हूँ गुटबाजी है, लेकिन हर पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन इनके यहाँ तो 12 कैंडिडेट अभी दावेदारी लाइन है लगी हुई है। और मैं विधायक जी के निर्माण कार्यों में जो गिना रहा हूँ, अस्पताल में 20 लाख, नाली निर्माण 15 लाख, पंचायत भवन 20 लाख एवं अन्य कई शासन से कार्य स्वीकृत करवाए हैं और लगभग 7 करोड़ रुपये के कार्य मैं लिख के लाया हूँ कि इन्होंने माननीय रवि जोशी जी ने उन पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत शासन से करवाए 7 करोड़ के विकास कार्य। सुनील जी, 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं रवि जोशी जी ने और रवि जोशी जी एक बार फिर से विधायक बन रहे हैं। दसुंदी जी, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही है कि आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार है, विधायक भाजपा की सरकार है, कितने करोड़ काम बताए इन्होंने उनमें? 7 करोड़ रुपए। अगर भाजपा में माननीय इनके माननीय रवि भाई जोशी की निधि 7 करोड़ के अगर उनमें खर्च हुई हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उनकी खुद की निधि होना, भारतीय जनता पार्टी के पद से मैं पृथक हो जाऊंगा, पार्टी छोड़ दूंगा, कहीं ऐसा नहीं है दसुंदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। ये जो अपने पीछे ये जो टंकी, पानी की टंकी बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की नल जल योजना की सरकार है। पर कहीं ना कहीं विधायक की भूमिका रहती है उसमें, विधायक की भूमिका उसमें, विधायक की भूमिका इसलिए रहती है कि वो क्षेत्र का विधायक है, चिट्ठी तो लगती है ना उस क्षेत्र का विधायक, नहीं कोई चिट्ठी नहीं लगती है इनकी, सरकार हमारी है, इनकी चिट्ठी सिर्फ इनके मद की राशि जहाँ खर्च होती है वहाँ पर ही इनकी चिट्ठी लगती है, अन्यथा इनकी चिट्ठी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है खरगोन में आप किसको पहली पसंद मानते हैं बीजेपी की ओर से? भारतीय जनता पार्टी में तो पहली पसंद है भाई कमल का फूल, वही है पावरफुल। पंचायत चुनाव में क्यों नहीं हुआ फिर? एक 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 बार नाम तो बता दीजिए, किसको प्रमोट करेंगे आप लोग? अरे कांग्रेस के रवि भाई किसके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं ये बता दे, हमारे यहाँ तो एक से बढ़कर एक शेर हैं। अजय जी ने कहा 10 आदमी है टिकट मांग रहे हैं। अरे 10 नहीं, मैं खड़ा हो जाऊँ तो मैं रवि भाई को हरा सकता हूँ, इतना पावर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिम्बाल पर लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिम्बाल पर चुनाव लड़ती है। आप जो दावा कर रहे हैं रवि जोशी जी के सामने खड़े हो जाएंगे हरा देंगे, ऐसा पॉसिबल है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि हमारा उम्मीदवार है कमल का फूल, उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट मिल जाएगा, पर कमल के फूल वाले 10 जने एक दूसरे को हराने में लग जाएंगे तो क्या होगा? नहीं बिल्कुल नहीं हराएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जिला पंचायत चुनाव में क्या? जिला पंचायत चुनाव में अजय जी आपकी बात बिल्कुल सही है, वो छोटा चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, गाँव का चुनाव है, कोई राष्ट्रीय चुनाव थोड़ी है। पिछले दिनों बालकृष्ण पाटीदार जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाया, क्या बालकृष्ण पाटीदार जी को टिकट मिलता है तो आप लोग समर्थन करोगे? बालकृष्ण पाटीदार जी क्या, चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए, सुनील पाटीदार उसके साथ काम करेगा, तन मन धन के साथ काम करेगा। मैं आपकी नहीं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात। आपने मेरे को अगर आमंत्रित किया है तो भारतीय जनता पार्टी का, आपने सबसे पहले क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में एक समाज से नहीं, मैं उन 10 की बात, हाँ, उन 10 की बात कर रहा हूँ जो टिकट काटने में लगे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है इनकी। देखो मेरी वहां तक पहुंच नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, पर मैंने आपको क्या कहा कि अगर मेरे को भी मिल जाए
तो हाँ, मतलब हाँ, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी का हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका कहने का मतलब? हमारा तो कहना मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू जी को कभी नाम सुना था आपने क्या? कौन सी जाति से है वो आपको भी पता है, जाति बताने से मतलब नहीं है। निम्न जाति से उसके बाद भी सर्व भारत का सर्वोच्च पद पर उनको कहीं ना कहीं बिठाया है। कहीं ना कहीं वोट लेने की राजनीति भी थी। नहीं नहीं, ये तो ठीक है। अजय जी, सुनील जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी रवि जोशी के सामने खड़ा हो जाएगा तो हरा देगा। वो तो अभी चुनाव में मालूम पड़ेगा कि आम कार्यकर्ता कौन खड़ा होता है, या ये 12 लोग जो 10-12 लोग है ना खरगोन में दावेदारी कर रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को हराएंगे, सब मिल के हराएंगे, बेफिक्र रहना। आपने मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो जो कैंडिडेट मैं, आपने जो अभी बोला ना कि बालकृष्ण जी ने अभी जो जलसा रखा, कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन किया, रवि जोशी के यहाँ है ना साल भर में ऐसे 25-50 भंडारे हो जाते हैं। बीजेपी से चर्चा की तो बीजेपी का रखा, इसलिए बीजेपी की बात की मैंने। वो उन्होंने, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा। वो उन्होंने बालकृष्ण जी ने उनका जन्मदिन का कार्यक्रम रखा था, उन्होंने उसमें है ना बीजेपी का कार्यक्रम अटैच करके गलत करा, झंडे का आने उसका काम था, जन्मदिन था, हम भी स्वागत है, हम भी उनको बधाई देते हैं उसके लिए, लेकिन उन्होंने तो शक्ति प्रदर्शन ही करा वहाँ प्रदेश में भोपाल में दबाव बनाने के लिए अन्य लोगों पे जो 10-12 दावेदार है ना तक में उन पे नहीं बोला। दसुंदी जी, इनकी बात का मैं खंडन करता हूँ कि उन्होंने वहाँ झंडा लगाया। अगर बालकृष्ण पाटीदार जी के कार्यक्रम में अगर भाजपा का कार्यक्रम रहता या शक्ति प्रदर्शन रहता तो वहाँ पर माननीय हमारे जिले के अध्यक्ष राजेन भाई वो आते, हमारे जिले के महामंत्री वो आते, आपस वो भी नहीं आए। वो उनका खुद का जन्मदिन का कार्यक्रम था, आपके दसों के दसों खुद का जन्मदिन का कार्यक्रम था, उन्होंने जोर शोर के साथ मनाया है। का कार्यक्रम था वो, बाप बेटों का जन्मदिन का कार्यक्रम था, झंडे आगे ऊंचे गाड़ियां गई, झंडे लगा के गई। वो हमारे पार्टी के नेता है, वो हमारे पार्टी के नेता, हम झंडा भी लगाएंगे, हमारा बैनर भी लगाएंगे और बैनर के नीचे कमल का फूल भी लगाएंगे कि हमारे नेता है वो, जिनका जन्मदिन है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व विधायक है। नहीं नहीं, गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि शक्ति प्रदर्शन था और ये सब लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई 50,000 इकट्ठे करने का दावा कह रहा है, कोई 25,000 इकट्ठे करने का दावा कर रहा है, पर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा एक ही शेर काफ़ी है। इन सब पे भले 10 जन आ जाए कि कोई आ जाए, हमारा माननीय रवि जोशी जी अकेले ही भारी पड़ेंगे। 50,000 अजय जी आप कह रहे हो, छोटे कार्यकर्ता बेचारा कुछ भी बोल सकता है। तुम तो समझदार होकर के 7 करोड़ की योजना रवि जी के नाम पे कर दी आपने, शासन की योजना स्वीकृत। मैंने क्या बोला? शासन से स्वीकृत करवाए हैं। झूठ बोल रहे, मैंने तो कागजों गिना दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा लगती है कि नहीं लगती? हर क्षेत्र में सांसद की अनुशंसा लगती है, विधायक की अनुशंसा लगती है। अरे हमारे तो 28 सांसद है, हर एक सांसद की अनुशंसा होनी चाहिए हमको कि हर कार्य में शासन से विधायक स्वीकृत करवाता है। बिल्कुल, अरे दसोंदी जी ये जो बता रहे ना, बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर रहा हूँ मैं इस बात। आप भले खारिज कर दो, हमने तो गिना दिया कि हमने क्या क्या 7 करोड़ के कार्य करवाए हैं और माननीय विधायक जी की अनुशंसा मेरे को ये लगती है, बिल्कुल लगती है। इन्होंने अगर कभी ये नल जल योजना की टंकियां बनवाई है तो अब मैं अजय जी को पूछ रहा हूँ कि इसमें आगामी योजना क्या है? आगामी योजना इसमें पानी लाने की योजना क्या है? अगर इन्होंने अगर ये योजना लॉन्च करी है तो इसको पूर्ण करने की तो कुछ प्लानिंग होगी इसमें? देखना मेरे पास, बताओ क्या है इसमें। मैंने आज से जब विधायक महोदय चुनाव जीते थे उसके बाद ही मैंने उनको कहा था कि भैया इस क्षेत्र में पानी की बहुत विकराल समस्या है, पिछले कई सालों से हम पानी की समस्या झेल रहे हैं, और उनको मैंने कहा था कि इसके एकमात्र समस्या का विकल्प है हम पिपरी तालाब से पानी लाएंगे। पिपरी तालाब से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिला पंचायत की सीओ जो थी वो यहाँ पर मुंशी तालाब पर आई थी, उसके साथ में गौरी शंकर चांदोरे और अपना संतोष राठौड़ मंत्री, ये दोनों जन थे। इनके सामने मैं स्वयं था, इसका गवाह मैं हूँ, कोई और दूसरा कह नहीं सकता है कि ये रवि भाई की है। ये मैंने जिला पंचायत सीओ से बात करी कि मात्र पानी की एक विकल्प है मुंशी वो पिपरी। हम ये चीज पहले करवा चुके थे, ये चीज तो बड़ी, हमने खुद उसका दिलवा दिया था आवेदन। बड़ी तीखी बहस रही है और कहीं ना कहीं हमारे पास समय की कमी रहती है और समय की कमी के कारण कहीं ना कहीं हमको कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ता है। आगे फिर इन दोनों के साथ चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि अभी बहुत सी बातें इन लोगों की कहने बाकी रह गई, हमारी सुननी बाकी रह गई है, तो आगे फिर इन लोगों के साथ फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही, आगे
फिर से एक ऐसी रिपोर्ट के साथ, ऐसी चर्चा के साथ जनता की बात में मैं हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ आगे फिर से एक बार मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।